हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी एक ना फिर से नई वीडियो मैं थोड़ा सा छोटी सी डाल रही हूँ क्योंकि डालना बहुत ज़रूरी था। रेहाना खान बॉस ने जो है वो क्या मतलब धुलाई की है शीला बाई की चाची 420 की बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सब लोग भी ये चीज़ देखिए और सुनिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि रेहाना खान बॉस के जो है वो 15 लाख रुपए गटक के बैठी है शीला बाई। और आए दिन जो है वो मतलब दोनों ही एक दूसरे को टोंट कुछ ना कुछ ताने जो हैं वो मारते रहते हैं। और अपनी रील्स में क्या कहा है रेहाना खान बॉस ने वो आप सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे। कितना खूबसूरत है, कहाँ मगर कहाँ आता है वो कीचड़ में और दलदल में। जब इसको तोड़ के सजाया जाता तो कितना अच्छा लगता ना। तो ये मैं कमल का फूल हूँ, कीचड़ में उक्के भी ऊपर आता हूँ। तू तो इतनी बड़ी गंदगी है, अगर सुबह तेरा थोपड़ा कोई देख ले ना पूरा दिन बेकार जाएगा, पूरा दिन। आगे से हसीन, पीछे से बिगड़ी मशीन, पीछे का भाग तो दिखा तेरा पिछवाड़ा, कोई देखने वाला देखे तो सही जरा। और रही ना धमकियों से खेलना, रेहाना का शौक है समझी। तू अपनी बचने की सोच, तू कैसी मरे जाएगी पहले वो देख, समझी क्या साली हरामी, चोर साले, गद्दार, दगाबाज, रोक ले लोग बुटा बुटी। और इनके जो ये कुरानों की कसम खा के इनके सब वीडियो है मेरे पास, जो जो बात बताया है बुट्टी के बारे में सब है, मगर वक्त का इंतज़ार, माफ़ी तो है ही नहीं भाई। क्योंकि अल्लाह बोलता है दुश्मन को कभी छोटा भी मत समझो, माफ भी मत करो धोखेबाज को, सही है ना। इसके से दलाल लोग चमचे नहीं अपने साथ, आगे पीछे घूमते मुम्मे मुम्मे मुम्मे। सर्विसिंग लेने आई इतनी दलिंदर, सुबह सुबह नाम लिए तो बोली ना हकीकत में चाबी अंदर रखी और भाजपा दरवाजा बंद कर दी। देखो कितनी दलिंदर है, और साथ में देखो कौन सी काली बिल्ली, देखो साथ में लग गई है मेरे पीछे। फॉर्च्यूनर आया है, मुझे ही करना पड़ता देखो सब काम। गाड़ी लेने आए ना, वालेकुम सलाम, बच्चा आया देखो कितना बड़ा आदमी है, लेने गाड़ी मेरी सर्विसिंग के लिए है कि नहीं। इतनी बड़ी दलिंदर है कि मेरा दुबई जाके मेरे दामाद को तो भड़ गई थी, कितनी हरामी होगी। जी तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रेहाना बॉस ने, और अच्छी बात भी है। जाहिर सी बात है अगर किसी का तुम पैसा खा के बैठोगे तो कोई भी चुप रहने वाला नहीं है, और ख़ासकर तेरे जैसी औरत को जो है वो रेहाना बॉस जैसी औरत ही सबक सिखा सकती है और वही तेरे से पंगा ले सकती है। क्योंकि वो रेहाना बॉस जो है वो अच्छे से जानती है कि अपना मतलब जो भी है अपना काम कैसे निकलवाना है, कैसे करना है, साम दाम दंड भेद ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो है वो ज़रूर अपना जो उनका 15 लाख तूने खाया है वो कभी ना कभी ज़रूर निकलवाएगी, भले ही इस काम में जो है वो देरी हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी ऐसे मामले या फिर कोई भी केस जब कोर्ट में चलता है तो उसको सालों साल भी लग जाते हैं निपटने के लिए, लेकिन रेहाना बॉस के पास जो है वो प्रूफ भी है, वीडियोस वगैरह हैं जिसमें ये बुड्ढे ने कुरान की कसम खाई थी इनके घर में बैठ कर कि हाँ जो पैसा है वो उसने ही लिया है शीला बाई ने। और उसने तो आप सबका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करके जाएं।